तो दोस्तों सुबह हो गई है, फटाफट पानी पूरी बेल लेते हैं, बरसात का टाइम भी है इसलिए ना आलू बगैर तो सुबह उबलने के लिए रख दिए थे। तो ये खा लेता हूँ दोस्तों, फिर दुकान वगैरह लगाता हूँ। आज तो मौसम ठीक है, कल मौसम ख़राब हो गया था, तो ये चाट मसाला वगैरह सब डाल दिया हूँ। एक नंबर, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तारीफ करने का पैक कर दिया। और दोस्तों क्या हालचाल, सब मस्त है? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, आपका एक और नए ब्लॉग पे स्वागत है। तो अभी सुबह के 7:30 बजने वाले हैं, बज ही गए लगभग, जा रहा हूँ। वो मिर्च पकौड़ा कर लाया था शाम को, तो उसी का ना मतलब मिर्च लाया था उसका पकौड़ा बनाने के लिए। अभी ना इसमें आलू उबल रहा है, ये दबा दी है इसको ना, ताकि ना थोड़ा सा, ये देखो लड़ाई करने लगे। अरे बच्चे नहीं, डुग डुग इसका उंगली काट ली बेचारी की। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ना 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 ना, ये देखो, नहीं नहीं नहीं, आ जाओ चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो तुम दीदी काट दी। तो अब देखो इसको चुप भी करवा रही है, देखो कि ना नहीं नहीं नहीं, नहीं रोते नहीं रोते नहीं नहीं नहीं, इसका उंगली खा, ये देखो दो दांत गड़ा दी यहाँ पे। अम्मा जा प्याज काटो, प्याज काटो दादी के साथ, जाओ जाओ। तू मस्जिद ले आया हूँ, ये इसे धो लेता हूँ सबसे पहले। तो एक कटोरा में डाल के ना, तो दोस्तों ये बेसन निकाल लिया मैंने। अब सबसे पहले ना इसे मैं डाल देता हूँ नमक, ये इधर नमक डाल दिया। और उसके बाद ना ये लाल मिर्ची का पाउडर है, थोड़ा सा सील गया है बरसात में, ये डाल दिया। अभी हींग रखा हुआ है, हल्का सा हींग डाल दूंगा, हींग से ना थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके बाद ये देखो ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, थोड़ा सा डाल रहा हूँ, ये हो गया सब। अब इसको ना मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से, और फिर ज़्यादा गीला नहीं करूँगा इसको मैं। और इसमें आप चाहें तो मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, उससे थोड़ा सा फूलेगा। अब ये मिक्स तो कर दिया है मैंने, अभी मिर्ची को ना काट लेता हूँ लंबा लंबा, बीच से हल्का हल्का काट लूँगा। अब बेसन लेकिन ना मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया हल्का सा। तो दोस्तों ये चक्कू ले लिया हूँ मैं, अब इसको ना बीच में ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके ना मिर्ची को पूरा फाड़ता जाता हूँ एक ही तरफ से। सब कुछ तो मैं कर लिया हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ना बेसन गीला हो गया, और बेसन है भी नहीं, जितना बेसन था ना सब वो घोल दिया हूँ मैं। ये देखो मिर्ची अलग दिख रही है और बेसन का घोल अलग दिख रहा है, पता नहीं कहाँ होगा भाई। अभी ना ये खाने वाला जो आटा है ना दोस्तों, उसको मैं डाल दिया हूँ, तो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अभी ना इसको डालता हूँ फैला के, मिर्ची को ना फैला देता हूँ जो काटा हूँ ना, ताकि उसमें अच्छी तरीके से घुस जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि ये हुआ कि नहीं हुआ है, एक तो मैं तला हूँ और जिसमें ना पूरा ही ऐसा हो गया है भाई। अभी तो अभी मैं क्या किया हूँ पता है, निकाल दिया हूँ एक बार हाफ फ्राई। अब इसके बाद ना इसको दोबारा से फ्राई कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ना मोटी भी हो जा रही है और सही भी हो जा रही है, फुल भी जा रही है अच्छी तरीके से। ये देखो है तोके तो ना खावा हूँ मैं, तोके नहीं खावा हूँ। ये लो भाई मेरा काम तो हो गया। अब ये रहा मेरी दुकान का चक्कू, और मैं दो पीस लाया हूँ, उसमें मेयोनीज और टोमेटो सॉस और हल्का सा ना चाट मसाला डाल दिया हूँ। थोड़ा सा इसमें डाल देता हूँ प्याज। अब धनिया पत्ती तो रात को लाया नहीं था मैं, ये खा लेता हूँ दोस्तों, फिर दुकान वगैरह लगाता हूँ। आज तो मौसम ठीक है, कल मौसम ख़राब हो गया था, तो ये चाट मसाला वगैरह सब डाल दिया हूँ। एक नंबर, मज़ा आ गया भाई। तो अभी दुकान लगा रहा हूँ, दुकान लगा लेता हूँ। आज बाजार है, आज पानी पूरी लेकिन कम ही रहेगी आज मेरे पास, क्योंकि ना जो हम लोग रोज़ पानी पूरी जिसको देते हैं ना, वो ना कल रात को फ़ोन नहीं किया था, वो अभी फ़ोन किया, तो अभी ना जो कल की पानी पूरी बची हुई थी उसको पहुँचा के आ गए हैं। नहीं तो ना कल की पानी पूरी रखने के कारण मैं रात को कम ही आटा लगाए थे। आई मजा बोल रहे हैं, करे ही नहीं है, मतलब मिर्ची तीखा नहीं है, मिर्ची तीखा रहता ना तो मेरे को तीखा लगता, मज़ा आ गया। लेकिन अच्छी लगेगी, लगी जाओ बताओ। मेयोनीज और वो टमाटो सॉस डाल के दे दिया चाट मसाला लगा के, अनिल को भी दे दिया, मजा आ गया अनिल। यही मिर्च मैं चाहूँ तो पाँच रुपये पीस बिक सकता है, मतलब मैं तो नहीं बेच दूंगा, मेरा भाई बेच देगा शायद, इसको बना बना के बेच दियो, बना बना के बेच दियो, 5 रुपये पीस, 10। पानी नहीं भर लेता मैं टंकी में, दुकान तो मैं पूरा सेट कर दिया हूँ, इसको पानी टेस्ट करना बाकी है खाली। और ये मीठा चटनी हो गया है, दही लेने गया है अनिल, प्याज, ए बच्चे नहीं नहीं
गलत बात। पानी पूरी तीन पानी रखा हूँ दोस्तों, और साइज ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी है। इन तीनों में है 800 और इसमें है 200-150 के आसपास। तो खाना ले आया हूँ दोस्तों, ये दाल है अभी ये मैं, और ये चावल, दो अंडे का ऑमलेट, एक पराठा आलू का, दो रोटी, और ये ककोरा की सब्जी, मतलब ककोरा रात को लाया था ना उसको खा रहा हूँ, और ये टमाटर की चटनी बनी हुई थी, इसको खा लेते हैं और चलते हैं दुकान लेके फिर। तो भाई और बहनों, खाना खा के मैं फिट हो गया हूँ अभी, लेकिन धूप निकली है यार, चलते हैं, 11 बज गए हैं और आज बाज़ार भी है। बाज़ार से ना उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को। पानी पूरी का ना थोड़ा सा पानी ऑर्डर लेता हूँ इसमें, कल तो सामान ही कम ले गया था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। दुकान वहाँ पर लगा दिया हूँ, धनिया पत्ती लेने आया हूँ अभी, धनिया पत्ती। तो अनिल अभी सामान लेने आया था, और ये भी एक स्पीकर लाया है छोटा सा, ये बोट का है, लेकिन अब इसका प्राइस लिखा हुआ है इसमें 2499 रुपये। और लाया कितने का है? 380। मेरा ना गैस लीक होता है थोड़ा सा, मुझे लगता है इसका ना ये मौसम जो है ना ये थोड़ा सा ढीला पड़ता है, इसीलिए ये देखो छोटा है। अब ये ओरिजिनल है बोट का, तो भाई थोड़ा सा महंगा मिला इसीलिए बोले लिए तो हुक। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना जो मोबाइल वाला जो रहता है वो लटकाने के लिए, बोले लिए 10 रुपये का है। गाना बताइए एक बार साउंड सुनाते हैं हम इसका भी। फोन पे सुना रहे ₹100 received on phone pay। ठीक है, दुकान लगा लिया हूँ। अच्छा भैया छुट्टी मार दी है पता नहीं क्यों, और ये रस्सी मेरी छोटी पड़ गई, अब पता नहीं उसमें मैं बांधता हूँ, इस वाले में बांधता हूँ, लेकिन अभी ना इस वाले में बांधा हूँ, जब तक ये ना बनेगा नहीं, जब तक मैं थोड़ा सा हल्का सा आगे करके लगाऊंगा। यहाँ पे लगाता था, इस जगह पे लगाता था, अभी थोड़ा सा ना दो कदम आगे कर दिया हूँ, ये कारण बता रहा हूँ। इसको नहीं बनाऊंगा ना तो स्टूल वगैरह रखेंगे तो कोई गिर भी जाएगा या फिर सही भी नहीं रहेगा, इसीलिए पानी बरसना रुक जाए, क्योंकि ना उस दिन मैं बना भी रहा था और उस दिन मैं खोला ना जितना भी बालू और पूरा ना बह गया, और पूरा पानी यहीं पे इसलिए आता ना, उसको ना पूरा बंद कर दिया थे तो उधर से पानी पूरा आता था, इधर से देखो पूरा बह गया, इसी चक्कर में यहाँ पे नाली बन गई है। सब पानी टमाटर ना ठीक है, कितना दो कि तीन जन्माष्टमी था और आज तो वही विसर्जन हो रहा है भाई, कल ही परसों था, तो एक दिन ना रखते हैं तुरंत, मतलब जिस दिन रहता है ना जन्माष्टमी उसके नेक्स्ट दिन विसर्जन नहीं करते हैं, तो आज वही ले जा रहे हैं, अब मतलब आज निकल रहा है ये, और बहुत सारे लोग भी निकालेंगे आज। और संजय भैया क्या खा रहे हैं आप? समोसा सुबह सुबह क्या खा रहे हो? सुबह खाने की इच्छा हुआ चाय के साथ। ऐसा अभी सेलिंग थोड़ी हो गई, एक झटका लग गया है, 600 रुपये का झटका लग गया भाई, देखते हैं हम। एक और झटका लगेगा अभी, आए हंसते हैं क्या लोग, मीठा भी डालना भी इसमें समा था और चढ़ रहा है भैया। जी भैया 5 मिनट देते हैं उसका। अब वो चीज़ हमारा हो गया है, ठीक है इनको नमक ज़्यादा हो जाएगा फिर, आप खट्टा खाएंगे? हम भी खट्टा खाएंगे और प्याज मिर्ची सब चटपटा जितना कुछ होगा वीडियो।
प्याज खाने आए बहुत दिन बाद। नहीं हजार चलेगा ना भाई थोड़ा थोड़ा। एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा लेंगे तारीफ करने का मिलता है। पैक कर दिया वहाँ पर भाई मुझे 10 का बनाना है 20 का बनाना है। कितना है? कितना दिया? 360 रुपये का 60 होगा। 10 खुला नहीं है? डाल दे रहा हूँ एक मिनट। जल्दी से रुको भाई। मौसम बन गया है पानी का प्लेट सामने उस तरह डालिएगा। ये लीजिए पापड़ी रहना आपका दही नहीं रहेगा मीठा रहेगा दही नहीं मीठा बना रहा है उसमें का डाल दो आज खिलाऊंगा बड़ा बड़ा गुच्छे उनको। दोहा बनाना है पापड़ साइज बना पूरा गुपचुप का ज़्यादा बड़ा बड़ा था पानी भी जल्दी खत्म हो गया इसी चट पानी ज़्यादा लगता है ना इसी में दोनों फूल हेलो मिर्ची आपको 5 जमा रहेगा ये लकड़ी चम्मच एक तो पार्सल करना है भाई बस कितना 30 खुला तो है चौबीस जी खुला रखे हो खुला नहीं है पैसे नहीं आपके पास आइए आप लोग पैसा खुला नहीं है मेरे पास मैं फुल्की के बाद में दूंगा जो नमरी नमरी है पूरा आज हवा लगवा दूँ
अभी शाम को 4 बज गए हैं, थोड़ी मोड़ी चाट बची हुई थी, मैं इसको बना दिया हूँ। और सामने में यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, वो कुछ ना नेत्रहीन लोग हैं। तो अभी दोस्तों घर आ गया हूँ, बारिश भी होने लगी है और गैस बनवाने जाना था, वो छोटा वाला मतलब चूल्हा ना, अब उसको तो बाद ही जाऊँगा, बारिश भी होने लगी है। और एक बोरा ये ले आया, 2600 की बिक्री हुई थी, पूरा पैसा तो वहीं दे के आ गया, बाद में बनाऊँगा उसको। ए गिल्ली आओ इधर, अंदर आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ। मस्त मुनगे के पत्ते झड़ रहे हैं, देखो अभी ना पत्ते झड़ जाएंगे। का ले सुसु कर दी ही इसको झरवाने जाना है बाबा के पास। ये जब इसको इसका मन ही लगता है ना, या फिर कुछ गुस्सा होती तो करती रहती, ऐसे करती है ही 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 है ना बेटा। दरवाजा बंद कर देता हूँ दोस्तों, बाजार से आके हूँ, पूरा सामान ले आया हूँ। सिर्फ वहाँ बैठा हुआ है, फिर रोटी लाया था खरीदने के लिए, गरम गरम है, पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी। सिरू वहीं पे बैठा है अभी। एक दिन ऐसा हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताए थे मेरे को, इसको ना मैं ऐसे ही रोटी दे दिया मतलब बिना तोड़े, ठीक है, तो वो ना खाई नहीं इसको, और वो मैं वीडियो डाला था उसको, तो उसके बाद मैं उसको टुकड़ा करके दिया तो खाने लगी, तो मैं इसको बोला अच्छा तोड़ के देना पड़ेगा। तो आप लोग रिप्लाई किए थे मेरे को इसी चीज़ को लेके कि आप लोग क्या आप ऐसे ही पूरा गुट्टा रोटी खा सकते हैं, मोरू नहीं खा सकता भाई, सही है, हम लोग भी तोड़ तोड़ के खाते हैं, इनको भी तोड़ तोड़ के देते हैं ना, तो ये लोग भी जल्दी खा लेते हैं। पसीना नहीं पता कहाँ निकल रहा है, अभी हाथ पैर धो के आया, पूरा मुँह वगैरह सब कुछ टी शर्ट चेंज कर दिया हूँ, जा रहा हूँ गुरु जी के यहाँ, बुलाए थे तो मैं बोला आइए गुरु जी अकेले हैं, घर मम्मी नहीं है, तो मोरू खाना खाने के लिए अब जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, सामान कुछ कमी होगा, जा रहा हूँ सोने। 9:30 बज गए भाई, 10 बज गए, 10:15 इनको अभी भी ओए ऐसे करती। चलो दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टूडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।